गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने C++ या C के अंदर ऑपरेटर पढ़े थे, ठीक है बच्चों। जैसे बताया था कि जो ऑपरेटर हम C के अंदर यूज लेते हैं वही हम C++ में भी ले सकते हैं, मगर C++ भाषा के अंदर कुछ नए ऑपरेटर जोड़े हैं हमने। वो ऑपरेटर के नाम मैंने आपको बता दिया था, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और स्कोपरी सॉल्यूशन ऑपरेटर, ये नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं। आज हम तीनों ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है। देखो बेटा, इसका साइन इस प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब होता है इंसर्ट करना। जब भी हम कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं और इंसर्ट हुई हुई चीज़ हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखती है, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। देखिए, इसका उपयोग दाईं तरफ के वेरिएबल के कॉन्स्टेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। मतलब कहने का मतलब है बेटा कि हम जो भी दाईं तरफ में लिखेंगे, जैसे बाई चांस मैंने दाईं तरफ से चीज़ लिखी है, ठीक है, दाएं मतलब सीधे तरह से मैंने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, तो अब मैंने सेमीकोलन इसका यूज किया है, तो ये कह रहा है कि दाएं तरफ से पढ़ेगा और इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आउटपुट करेगा, ठीक है। दूसरा आता है एक्सट्रैक्शन आउटपुट। एक्सट्रैक्शन आउटपुट मतलब क्या होता है, बाहरी आउटपुट, दिखता हुआ आउटपुट, ठीक है बेटा। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कीवर्ड से वैल्यू लेता है। क्या लेता है बेटा, ये कीवर्ड से वैल्यू लेता है। मतलब समझिए, एक्सट्रैक्शन क्या है बेटा, एक इनपुट ऑपरेटर समझिए आप। इनपुट मतलब जो ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, किससे ले रहा है, कीवर्ड से वैल्यू ले रहा है। जब भी हम कोई प्रोग्राम में कुछ टाइप करेंगे, लिखेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ही उसको अपने अंदर लेगा, ठीक है, वैल्यू लेता है और इसके दाईं तरफ के वेरिएबल को प्राप्त प्रदान करता है। क्या बेटा, ये प्रदान करता लिखा हुआ है, प्रदान कर देता है, मतलब ये दाईं तरफ से जो भी चीज हम लिखेंगे उसको ले लेगा और ऑपरेटर को प्रदान कर देगा। जैसे इस प्रकार से बेटा, जैसे सी इन लिखा हुआ है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, और दाईं तरफ क्या लिखा हुआ बेटा, एज और वेरिएबल लिखे हुआ है, एज वेरिएबल 5, तो ये किसको प्रदान कर देगा, कंपाइलर को प्रदान कर देगा। इसको बोलते हैं दाईं तरफ से। इस साइड वाला बेटा क्या दाईं तरफ है, और इधर वाला क्या अपना बाईं तरफ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, जो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के है बताइए। तो अब हम देखेंगे ऑपरेटर कितने प्रकार के बच्चों। देखिए, पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसकी आप टेबल भी बना सकते हैं कि भाई ऑपरेटर को वर्गीकृत कीजिए। अगर ऐसा आ जाए आपके सामने क्वेश्चन, तो आप ऑपरेटर लिख के टेबल ही बना सकते हैं ऐसे। जैसे देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख देना, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद बीट वाइज ऑपरेटर, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, और सबसे एंड में है अपना एक्सप्रेशन ऑपरेटर, ठीक है। मैंने इसकी सारणी बनाई थी, क्या रुकिए, बनाई थी सारणी पर, क्वेश्चन शायद सारणी नहीं बनाई बच्चों मैंने इसकी, या इसकी मैंने वो बना के बताया नहीं, तो मैं वो बना के बता देता, ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है, जो अंक गणितीय कार्य करने में सक्षम होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अंकगणितीय ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर बेटा क्या होता है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीपल, डिवीजन और मॉड्यूल्स, मतलब परसेंटेज निकालते हैं, तो इसमें अर्थमेटिक काम में लेते हैं, ठीक है। अब आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर साथ साथ एक काम और करता है, वो होता है कि वैल्यू को बढ़ाना और वैल्यू को घटाना। तो इसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम यूज करते हैं बेटा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। देखिए, प्रोग्राम में अंक गणितीय कार्य करने के लिए अर्थमेटिक
ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, मतलब अंकगणितीय कार्य जो भी करेंगे बेटा हम, जोड़ भाग गुणा भाग परसेंटेज निकालना, ठीक है, किसी वैल्यू को बढ़ाना किसी वैल्यू घटाना, तो हम अंकगणितीय ऑपरेटर का उपयोग लेते हैं। ये अंकगणितीय चिन्हों के अनुसार कार्य करता है, मतलब अंकगणितीय ऑपरेटर किसके अनुसार कार्य करता है, चिन्हों के अनुसार, कि किस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनका मान या जिनकी वैल्यू पहले से ही कंप्यूटर के अंदर या कंपाइलर जानता है, ठीक है बेटा, कि भाई प्लस है तो प्लस क्या काम करेगा, दो वेरिएबल को जोड़ेगा, माइनस है तो माइनस क्या काम करेगा, दो वेरिएबल की वैल्यू को घटाएगा। तो इन ऑपरेटर्स के मान जो हम यूज में लेते हैं बेटा वो पहले से फिक्स होते हैं, ठीक है बेटा, यानी इनका कार्य करने का तरीका पहले से फिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्रकार, अर्थमेटिक ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, ये देखिए बताता हूँ आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है बेटा, जैसे हम जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, भाग मल्टीगुणा करते हैं, भाग ये मॉड्यूल मतलब परसेंटेज निकालते हैं और डिवीजन में भाग देते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, इनडायरेक्ट करना और एड्रेस करना, ठीक है। तो ये चारों चीज़ में अर्थमेटिक ऑपरेटर में काम में ली जाती है। और देखिए बेटा इन सब के सिंबल है, इन सब के सिंबल है, जैसा आपको पता चल रहा होगा कि ये देखिए आप, ये सिंपल, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो प्लस प्लस है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में दो माइनस माइनस है, इनडायरेक्ट ऑपरेटर में चिन्ह है इसका स्टार का, और एड्रेस ऑपरेटर में देखिए एंड का साइन है, ये दिख रहा है आपको, समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेटर, तो देखिए बेटा छोटा सा है, प्रोग्राम में अंकगणितीय कार्य करने के लिए बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। बस तैयार रखिए कि भाई बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या है बेटा, अंकगणितीय कार्य करना, क्या करना, अंकगणितीय कार्य करना, चाहे वो जोड़ बाकी गुणा भाग हो या परसेंटेज निकालना हो, ठीक है। उसके बाद में आता है यूनरी ऑपरेटर हमारा, तो देखो यूनरी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, तो इसको हम समझेंगे तो लिखेंगे, देखो यूनरी ऑपरेटर का उपयोग सिर्फ एक ऑपरेंड पर कार्य करने के लिए किया जाता है। ऑपरेंड का मतलब होता है बेटा वेरिएबल, जो हम वेरिएबल काम में ले रहे हैं ना, कि हम किस वेरिएबल की वैल्यू को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, या हम क्या काम ले रहे हैं वेरिएबल के ऊपर, तो हम ऑपरेटर यूज में लेते हैं। उसी प्रकार से जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बेटा बढ़ाना होता है तो हम ऑपरेंड काम में लेते हैं। ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल है, क्या क्या है बेटा, वेरिएबल, एक ही वेरिएबल काम में लेंगे पर कार्य करने के लिए किया जाता है। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर के कारण ही C++ डेवलप की गई है। अब देखिए C++ डेवलप क्यों हुई बेटा, देखो सी भाषा को C++ बनाई है, ठीक है, मतलब सी को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए C++ काम में ली गई। तो कैसे काम में ली गई, इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नए प्रकार के ऑपरेटर, नए प्रकार के फंक्शन काम में लिए जाते थे। इस वजह से ही हमने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा, जो प्रोग्रामर थे उन्होंने क्या करा, सी से एक दूसरी लैंग्वेज का निर्माण कर दिया, उसको कह दिया C++, ठीक है। अब जैसे देखिए बेटा C++, अब यूनरी ऑपरेटर में आपको पता है कितने प्रकार की, अभी मैंने बता दिया इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनडायरेक्ट और एड्रेस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके एक 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 क्वेश्चन के ये किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। अब हम इसका पहला उपयोग करते हैं इंक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर, या इंक्रीमेंट यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप। तो देखिए सबसे पहला जो काम है बेटा, वो मन से आप लिख सकते हो कि इसका उपयोग तत्वों में एक जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब भी हम यूज में लेते हैं तो क्या करता है, जो वेरिएबल हमने दिया हुआ है उसके अंदर हम एक बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि जो हमने एक वैल्यू फाइनल दे दी है कि भाई 10 वैल्यू है, अब 10 वैल्यू एक एक करके आगे बढ़ेगी, तो उस 10 वैल्यू तक हमें हमारे नंबर को पहुंचाने के लिए हम इंक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर काम में लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है बेटा, वो देखिए कि उदाहरण में लिखा है मैंने इंटीजर ए, ए क्या एरे वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पे ये ऑपरेंड है हमारा, वेरिएबल बोलो या ऑपरेंड बोलो बेटा बात एक ही है, ठीक है बेटा। तो ए हमारा वेरिएबल है,
और हमने इसके अंदर वैल्यू कितनी दी बेटा, 10 वैल्यू दी, जिसको हम बोलते हैं साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब भी 10 वैल्यू तक हमें कोई वैल्यू बढ़ानी है एक एक करके, तो देखिए हम हमेशा जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज लेंगे बेटा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम आएगा, तो याद कि हमेशा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसके साथ काम में लिया जाएगा, ज़्यादातर कंडीशन फ्लो स्टेटमेंट के साथ। कंडीशन फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, जिसके अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप भी काम में लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर उन लूप के अंदर से भी हम फॉर लूप काम में लेते हैं। तो फॉर लूप में देखे से पहले आई लगाएंगे बराबर 0, आई का मान क्या है 0 है, फिर हम कहेंगे कि आई मतलब 0 क्या है, छोटा है, लेस देन 10 से छोटा, 10 वैल्यू से छोटा है, और प्लस प्लस आई प्लस प्लस कर देंगे। ये जो आई प्लस प्लस हमने लिखा बेटा, ये दोनों क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, एक के अंदर एक जोड़ देगा। ये जो प्लस प्लस है बेटा, इसका मान होता है कि एक से बढ़ाना, जो हमने शुरू में लिखा ना, इसका उपयोग तत्व में एक जोड़ने के लिए किया जाता है। तो बेटा बस ये ध्यान है कि ये क्या करता है, एक से एक एक तत्व बढ़ाता है। जो भी आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 में हम एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आई का मान कितना हो जाएगा, 1, तो फिर हम 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ऐसे करते 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 हमारे कितने वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी, 10 तक पहुँच जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखिए थोड़ी परिभाषा और, देखिए जब तत्व में एक जोड़ते हैं तो उस तत्व का मान एक से बढ़ जाता है, क्या होता है बेटा, एक से बढ़ जाता है, एक से बढ़ जाएगा मतलब एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक तत्व पर ही कार्य करता है, ये याद रख लेना बेटा। जितना भी अपना यूनरी ऑपरेटर है ना, ये यूनरी ऑपरेटर हमेशा एक वेरिएबल पर कार्य करेगा, मतलब एक ऑपरेंट पर ही कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए कोई कहता है भाई कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने काम में तो ले रहे हैं, मगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पोस्टफिक्स, एक होता है बेटा प्रीफिक्स। क्या होता है, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या होता है कि जैसे बाई चांस मान लीजिए ये पोस्टफिक्स है, फिक्स है, ठीक है। अगर मैं किसी भी वेरिएबल, जैसे वेरिएबल ये आ गया, ये समझ लो, यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए, ये वाला ले लो बेटा, कि जैसे मैंने वेरिएबल के, ये हमारा ऑपरेटर है बेटा, ठीक है। इस ऑपरेटर के इस साइड मतलब राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ अगर मैं कोई वेरिएबल लिखूंगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर मैं ऑपरेटर यानी ऑपरेटर है इससे पहले अगर मैं वेरिएबल या ऑपरेंड लिखूंगा, जैसे बी लिखा हुआ है, तो ये पोस्टफिक्स है, ठीक है बेटा। मतलब याद रखना वेरिएबल से दाईं तरफ, यानी देखो ये क्या है, दाईं तरफ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स हो गया। और ये वेरिएबल से बाईं तरफ है, बाईं तरफ मतलब उल्टा हाथ की तरफ है, ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, पोस्टफिक्स हो गया, ठीक है। तो भाई इतना ध्यान रखिए, है तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही, मगर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स सब कहते हैं, ठीक है, इतना समझिए आप। अब इसके आगे देखिए आप, ये आप एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है बेटा, एग्जांपल देखना, x बराबर x, अब देखिए डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर, देखिए डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है बेटा, जैसे इंक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा था, वो क्या कर रहा था, वैल्यू को बढ़ा रहा था, क्या कर रहा था, वैल्यू को बढ़ा रहा था, मगर ये क्या करेगा बच्चों, ये वैल्यू को घटाएगा, क्या करेगा, वैल्यू को घटाएगा। जैसे देखिए ये क्या करेगा बच्चों, वैल्यू घटाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका उपयोग तत्वों में से एक एक करके मान घटाया जाता है। मतलब देखिए इंक्रीमेंट बढ़ा रहा था एक एक करके तत्वों में मान, और ये क्या कर रहा है, एक एक करके तत्वों में से मान घटा रहा है। ये ऑपरेटर एक तत्व पर ही कार्य करता है। जैसे देखिए बेटा एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या करता है, एक तत्व पर कार्य करता है। जैसे देखिए वेरिएबल क्या हमारा, एक तत्व है सिर्फ, जिसे हम बोलेंगे ऑपरेंड या वेरिएबल ही बोल सकते हो, एक तत्व ही है ये। और इसका देखो निशान, देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने काम में लिया, पोस्टफिक्स काम में लिया, प्रीफिक्स भी काम में ले सकते हैं,
और डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर दो प्रकार के हैं, जैसे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। ठीक है बेटा, जैसे देखिए पोस्ट प्रीफिक्स पहले लग गया, पोस्ट फिक्स बाद में लग गया। समझ आया? मतलब वेरिएबल के अगर हम पहले काम में ले लेते हैं ऑपरेटर के चिन्ह को तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और वेरिएबल के बाद में जैसे ये बात की तरफ है मतलब राइट हैंड साइड है तो हम इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स बच्चों। ठीक है, बस वही का उपयोग है। इसका उपयोग तत्वों में से पहले किया जाता है, इसमें तत्वों के बाद किया जाता है, बस यानी पीछे किया जाता है, ऐसे लगाएंगे आप। अब उसके बाद देखिए बेटा हमारा एड्रेस ऑपरेटर क्या है, एड्रेस ऑपरेटर या इनडायरेक्ट ऑपरेटर भी कराया था मैंने पीछे, मैं बता देता हूँ वापस आपको एक बार। देखिए अब देखिए एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है बेटा, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, आपको पता ही बताया ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, जो अपने तत्व का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। क्या करता है एड्रेस ऑपरेटर बोले, या इसे हम बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो अपने तत्वों का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, तत्व जो भी तत्व होता है ना बेटा मेमोरी में, उसका एड्रेस भेजता है प्रोग्राम के अंदर, उसे बोलते हैं रिटर्न करना। ठीक है, जिसमें उसकी वैल्यू को जांच की जाती है और कॉल की जाती है। ठीक है, अतः यदि तत्व इंटीजर डाटा टाइप है तो एड्रेस ऑपरेटर तत्व ही मेमोरी का स्थान है। कह रहा है कि यदि तत्व यानी कोई भी तत्व जो हमने लिया है, ठीक है बेटा वेरिएबल लिया है, वो इंटीजर डाटा टाइप है। कैसा है? इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है बेटा, जैसे इंटीजर लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया इंटीजर, तो इंटीजर डाटा टाइप का है, इंटीजर लिख दिया मैंने, तो एड्रेस ऑपरेटर मतलब ये वाला ऑपरेटर जो काम में ले रहे हैं वो तत्व, तत्व मतलब हमारा नंबर, नंबर क्या हमारा तत्व, तत्व को या हमारा वेरिएबल को या ऑपरेंड को बेटा। ठीक है, या ऑपरेंड को, ठीक है, तत्व ही मेमोरी का स्थान है। क्या होगा बेटा ये जो तत्व होगा ना, ये क्या होगा हमारे मेमोरी का स्थान होगा। जैसे देखिए, ये देखिए बेटा एग्जांपल देखिए, इसका उदाहरण ये है कि वेरिएबल नेम क्या है बेटा, नंबर, ये नंबर, ये क्या है इसका मेमोरी का स्थान है। फिर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कितना हो गए 10, और एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब 100। मतलब जैसे बेटा मैंने इसे ऐसा लिख दिया, या चाहे इसे ऐसा बना लो, इसे आप क्या कर लो, ऐसा कर लो, समझ में आ गया बेटा, ऐसा ही बना लो 10 को। अब देखिए आगे आता है कि एड्रेस ऑपरेटर को तत्व के पहले उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एड्रेस ऑपरेटर को तत्व के पहले उपयोग में लिया जाता है। मतलब 10 है तो एड्रेस ऑपरेटर क्या होगा, इस 10 के पहले आएगा बेटा। क्या आएगा? 10 के पहले आएगा। और इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू क्या दी यहाँ पे, नंबर, ये हमारा एड्रेस, और ये हमारी वेरिएबल। ये चाहे ऐसे बनाओ आप इसे, ठीक है, वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल बनाओ, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, अब आता है इनडायरेक्ट ऑपरेटर। इनडायरेक्ट ऑपरेटर मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। जस्ट जो रेफरेंस ऑपरेटर है उसका उल्टा कर लो बेटा, उसे बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर या इनडायरेक्ट ऑपरेटर। देखिए ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है, जैसे यूनरी ऑपरेटर प्रकार, तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है। जब एक रेफरेंस तत्व की वैल्यू यानी डी रेफरेंस होती है, डी रेफरेंस मतलब वापस भेज देना, तो एक वास्तविक वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब क्या होता है बेटा, जब कभी भी एड्रेस ऑपरेटर जो होता है ना, जो हमने ऊपर कहा था, वो वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो उस वैल्यू को वापस चेक करता है कौन, इनडायरेक्ट ऑपरेटर, और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक वैल्यू रिटर्न होना। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक वैल्यू रिटर्न होना। ये वैल्यू पॉइंटर के द्वारा वापस प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है बेटा वापस? पॉइंटर के द्वारा। जैसे देखिए अब ये है नंबर है, मैं इसे ऐसे स्टार लगा देता हूँ, ये मैंने पॉइंटर बना दिया इसको। क्या बना दिया? पॉइंटर बना दिया इसको। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल लिख लेना आप इसका, नीचे लिया डी रेफरेंस, और डी रेफरेंस में एग्जांपल ऐसा कैसा बनाना आप। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा नंबर का जो ऑपरेटर है बेटा। जैसे हमने पहला ऑपरेटर पढ़ लिया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर बाद में क्या था हमारा दूसरा ऑपरेटर था, रिलेशनल ऑपरेटर।
तो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है बच्चों, देखिए कि रिलेशनल ऑपरेटर सिंबल होते हैं, जितने भी ऑपरेटर है बेटा हर प्रकार के ऑपरेटर क्या है, सिंबल ही है, ये याद रखिए। ठीक है, जिनको दो तत्वों के बीच लगाते हैं और उपयोग करते हैं और उनके आधार पर वेरिएबल का मान प्राप्त होता है। देखिए बेटा रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि रिलेशन बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है कि दो तत्वों के बीच में संबंध कौन कौन से हैं, कौन सा तत्व छोटा है या कौन सा तत्व बड़ा है, या इसका आउटपुट एक आएगा वो क्या आएगा, इसी के आधार पर रिलेशनल ऑपरेटर काम में लिया जाता है। जैसे देखिए बेटा क्या कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर सिंबल होते हैं, आपको पता ही है सिंबल है सबका सब, जिनको दो तत्वों के बीच में लगाते हैं और उनका मान यानी उनका उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, दो तत्वों के बीच में लगाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर के चिन्ह को और उसी के अनुसार हम आउटपुट प्रदान करेंगे, ठीक है, या हम रिजल्ट लेंगे और उसके आधार पर ही वेरिएबल का मान प्राप्त होता है, यानी वेरिएबल छोटा है या बड़ा है। जैसे देखिए रिलेशन ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, उदाहरण देखो, उदाहरण में है कि 5 क्या है, लेस देन 2, तो क्या 5 2 से छोटा है, तो इसको हमें बताने के लिए इन तत्वों में से यानी इन वेरिएबल का जो मान है 5 और 2, इनके मान को बताने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर का उपयोग लेते हैं। तो ये रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है बेटा, सिंबल है। अभी किस प्रकार के सिंबल है, तो देखिए ये इस प्रकार के सिंबल होते हैं, लेस देन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, लेस देन, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है, इस चिन्ह ग्रेटर देन से बड़ा, लेस देन से छोटा। फिर देखिए लेस देन इक्वल, मतलब से छोटा और बराबर, क्या लिखोगे, से छोटा और बराबर। तो आपको इतना लिखना, ऐसा नहीं है कि आप भाई इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखो, आप इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश में लिख देना बेटा, ठीक है। फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल मतलब छोट से बड़ा है और बराबर भी है। फिर ये बराबर का साइन से बोलते इक्वल, और ये जो कोमा लगा दे नीचे हमने वो बराबर कर दे से बोलते नॉट इक्वल, ठीक है बेटा। ये सभी ऑपरेटर क्या करते हैं बेटा, वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मतलब देखते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है और उसके अनुसार ही एक वेरिएबल का मान यानी एक वेरिएबल की वैल्यू या एक वेरिएबल का आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति में रिलेशनल ऑपरेटर को ऑपरेटर हो तो इस तो इसे एक्सप्रेशन को तो इस एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखिए अगर वे पूछ ले भाई कि रिलेशनल ऑपरेटर तो है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बताओ, क्या बताओ, रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो क्या बोलोगे कि यदि किसी अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति का मतलब ही होता है एक्सप्रेशन में, रिलेशनल ऑपरेटर हो तो इस एक्सप्रेशन को, तो क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे इसकी टेबल बना देना और टेबल के बाद में देखना बेटा हम करेंगे अब आगे लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये हम कल करेंगे बेटा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए आज, ये राइट डाउन कर लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ लास्ट टॉपिक है, देखिए लॉजिक लगाना, लॉजिक का मतलब क्या होता है बेटा, तर्क करना कि सही है या गलत है, लॉजिक का मतलब तो हमें अक्ल काम में लेना, उसे बोलते हैं लॉजिक, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका उपयोग दो या दो से अधिक रिलेशन एक्सप्रेशन यानी रिलेशन अभिव्यक्ति, हम अभिव्यक्ति बनाएंगे, मतलब रिलेशनल अभिव्यक्ति का उपयोग करेंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक, और उसके बीच में हम क्या काम में लेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर काम में लेंगे, ठीक है। रिलेशन अभिव्यक्ति की तुलना करने के लिए होती है, क्या कहते हैं भाई, के लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग दो या दो से अधिक रिलेशन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, कि तुलना करने के लिए होती है, एक लाइन तो याद रखना। उसके बाद लिखना लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ लॉजिक मानों पर ही कार्य करता है, लॉजिकल मान होना चाहिए, लॉजिकल मान मतलब क्या, हमने तर्क लगाने जो जिसमें हमने मतलब तर्क लगाया, दिमाग लगाया, उस पर कार्य करती है। जैसे देखिए यदि किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक रिलेशन अभिव्यक्ति को मिलाकर लिखा जाए तो उसे लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए बेटा मैं कह रहा हूँ आपके सामने मेरे कि ये चीज़ है, क्या है बेटा, ये चीज़ है कि ए
ग्रेटर देन 8, ठीक है। ये मैंने क्या बना दी बेटा, एक बना दी मैंने ये रिलेशनल अभिव्यक्ति बना दी है, या रिलेशनल बना दिया मैंने पहले, ठीक है बेटा। एक रिलेशन काम में ले लिया मैंने, ब्रैकेट में ले लिया, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने एक ये ले लिया कि 5 = 4, ये भी मैंने क्या बना दिया बेटा आपके सामने, रिलेशनल का उपयोग किया। अब पीछे मैंने इसके लगा दिया ये सेमी कोलन, तो जैसे मैंने सेमी कोलन पीछे लगा दिया तो ये क्या बन गई, अभिव्यक्ति बन गई। क्या बन गई बेटा, अभिव्यक्ति। तो देखिए रिलेशनल का यूज हो रहा है, रिलेशन ऑपरेटर का, रिलेशन ऑपरेटर का यूज हो रहा है। अब दो तरफ वैल्यू है, एक ये रिलेशन ऑपरेटर की वैल्यू है, एक ये रिलेशन ऑपरेटर की वैल्यू है। इसकी तुलना करेंगे पहले हम, क्या करेंगे, तुलना, कंपेयर करेंगे। देखिए यदि किसी रिलेशन एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक रिलेशन अभिव्यक्ति को मिलाकर लिखा जाए तो, मतलब हमने क्या करा, एक तो ये अभिव्यक्ति हो गई, मतलब एक तो ये हो गई रिलेशन ऑपरेटर का उपयोग करा, एक ये करा और पीछे सेमीकोलन बना दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, अब एक ये और एक ये, इन दोनों का पहले हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे कि भाई क्या होता है कि एक बड़ा है 8 से, हम कहेंगे एक 8 से बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी झूठा हो जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे भाई क्या 5 = 4 का, तो हम कहेंगे ये भी फॉल्स हो गया, मतलब झूठा हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब उसके बाद में बेटा हम ये काम में लेंगे ये वाले ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक बेटा। क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर इन दोनों रिलेशनल ऑपरेटर की कंडीशन जो फॉल्स हुई है उसके आधार पर ये कार्य करेगा बच्चों, ठीक है। अब इसके मैं बताता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। अब ये 3 ऑपरेटर कैसे कार्य करते हैं, जब इनके साथ में 2 या 2 से अधिक रिलेशनल अभिव्यक्ति काम में लेते हैं तो, तब ये इसके जो प्रकार हैं 3, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर के कितने प्रकार है बेटा, 3 प्रकार है। ये तीनों प्रकारों को मैं आपके सामने कल समझाऊंगा, ठीक है बेटा। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, और स्क्रीन शॉट लेने वाले बेटा काम अपने नोटबुक में पूरा पूरा कर लेना, और काम में किसी प्रकार की कोई ढील मत बरतो, कि कोई काम बाद में करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा मत करो बेटा, ठीक है।